हेलो जी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बिफोर आफ्टर वाली रील वीडियो बना सकते हो। ये नहीं कुछ इस तरह की कलर प्लेटर वाली बिफोर आफ्टर रील वीडियो, इस टाइप की वीडियो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और जनरली इस टाइप की वीडियो पीसी वगैरह में बनता है, लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत ही कम लोगों के पास पीसी या फिर लैपटॉप वगैरह होगा। तो जिनके पास पीसी एंड लैपटॉप नहीं है, क्या वो इस टाइप की वीडियो नहीं बना सकते? डेफिनेटली बना सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आज आपको एक ऐसा तरीका पता चलेगा जिसकी मदद से आपको कुछ इस तरह की ट्रेंडिंग रील वीडियो अपने मोबाइल में वो भी VN ऐप का यूज करके बना पाओगे। इतना आसान तरीका बताने वाला हूँ। सो वीडियो को अभी से आप लाइक कर दो और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, एंड चलिए शुरू करते हैं। सो वीडियो को बनाने के लिए हम यूज करने वाले VN ऐप। तो अगर आपके पास VN ऐप है देन बहुत अच्छा, इसे आप ओपन कर लो। एंड अगर आपके पास VN ऐप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, उसके बाद इसे ओपन कर लेना। बिल्कुल फ्री ऐप है, किसी चीज का टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। तो ओपन करने के बाद प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे वीडियो और फोटो दोनों का सेक्शन आपको मिलेगा, आप फोटो में आ जाना। देन यहाँ पे अपना जो बिफोर का फोटो रहेगा उसे सेलेक्ट करना है, फिर आफ्टर वाली फोटो को सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोनों फोटोज यहां पे ऐड हो जाएगा, लाइक आप देख सकते हो, ठीक है। तो फोटोज ऐड हो गया। अब इनका जो रेशियो है उसे हमें रील वीडियो का रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। सो ये जो ओरिजिनल को ऑप्शन दिख रहा है यहां पे क्लिक करके ये 9:16 को सेलेक्ट कर लेना। इसे सेलेक्ट कर लोगे, रेशियो सही हो जाएगा। अब आपको यहां पे म्यूजिक ऐड करना होगा, क्योंकि म्यूजिक के अकॉर्डिंग सारा एडिटिंग होने वाला है। तो जस्ट आप यहां पे क्लिक करना, फिर म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना, एंड माई म्यूजिक में आके जस्ट म्यूजिक लाइब्रेरी के ऊपर चले जाना, ठीक है, क्योंकि यहीं पे सारा म्यूजिक रहता है। तो म्यूजिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो म्यूजिक ट्रेंडिंग में है, जो म्यूजिक सबको यूज करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप उस म्यूजिक को सेव कर लो, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे उस म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना। म्यूजिक का नाम बिफोर एंड आफ्टर मैंने रख दिया है, सिंपल नेम है, आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा म्यूजिक का नाम, सॉरी म्यूजिक। तो म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए यूज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको प्रॉपर क्लिक कर देना, देन डन कर देना, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। म्यूजिक ऐड हो गया। म्यूजिक ऐड होने के बाद आपको यहां पे एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है, और वही टेम्पलेट वीडियो आपकी एडिटिंग को आसान बना देगा, इतना आसान बना देगा कि सिर्फ एक क्लिक में आपका ऑलमोस्ट सारा एडिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन से टेम्पलेट की मैं बात कर रहा हूँ। आपको टेम्पलेट ऐड करना है, सो अगेन टेम्पलेट को डाउनलोड करना होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, वहाँ पे टेम्पलेट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे सेव या फिर डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। उसे ऐड करने के लिए ये वाला आपको ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। देन वीडियो वाले सेक्शन में आना, ऑब्वियसली बात है, वीडियो में आ जाना। फिर यहाँ से आप उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करना, बेसिकली वो एक ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट है, तो इसे सेलेक्ट कर लेना है, ये ऐड हो जाएगा। अब इसे आपको पूरा स्क्रीन में फिल करना होगा, तो आप इस तरीके से हैंड से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल करके ये जो आपको फिट एंड फिल का ऑप्शन दिखता है, दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर लेना, पूरा स्क्रीन में फिल हो जाएगा, ठीक है। देन इसका जो ग्रीन कलर है उसे आपको हटाना होगा। तो ग्रीन कलर हटाने के लिए आपको पता है क्रोमा की का हम यूज़ करेंगे, सो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करना, यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना, ग्रीन कलर हट जाएगा। फिर थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो इंटेंसिटी वगैरह को यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, देन डन कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कलर वाला एनिमेशन आपको यहाँ पे बना बनाया हुआ मिल गया। मतलब कि यहाँ पे जो मेन एडिटिंग है वो करके मैंने आपको दे दिया इस टेम्पलेट के फॉर्म में, ठीक है। इतना आसान हो गया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो सर्कल वाला एनिमेशन वो खुद से आपको बनाना पड़ता, फिर ये सारे एनिमेशन आपको खुद से बनाने पड़ते, लेकिन मैंने जो टेम्पलेट दिया उसमें सारी चीज़ बने हुए। तो सिर्फ आप यहाँ पे ऐड करो, एंड उसके बाद फोटोज़ को जस्ट एडजस्ट कर लेना। जैसे कि बिफोर वाला, यहाँ अगर आप ऊपर में नोटिस करो तो बिफोर इतना दूर तक लिखा हुआ है, और फोटो हमारी बहुत ही कम ड्यूरेशन की, तो उसे हमें थोड़ा इंक्रीज करना होगा। तो बिफोर वाली फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना, एंड जहाँ तक बिफोर लिखा हुआ है उतना दूर तक इसे इंक्रीज कर देना। हाँ, यहाँ से आफ्टर आ रहा है तो इतना दूर तक रख लेंगे। फिर इन दोनों फोटो के बीच में आपको ट्रांजिशन ऐड करना है, तो ट्रांजिशन के ऊपर जाके यहाँ से आप डिजॉल्व को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। डिजॉल्व को सेलेक्ट करने के बाद डन कर देना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमारा जो वीडियो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन गया है, जैसे कि आप देख सकते हो।
बट इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, जैसे कि यहाँ पे ये जो डिजॉल्व हो रहा है ना वो अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा फ़ोटो का साइज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे, लाइक ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको भी साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं आफ्टर वाले को भी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये बिल्कुल सही हो गया है, थोड़ा और एडजस्ट करना होगा, हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, एंड आप यहाँ देख सकते हो वीडियो हमारी कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुकी है, लाइक आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें अब हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि इसे हमें ब्लैक में भी कन्वर्ट करना होगा, लाइक स्टार्टिंग में ही सिर्फ नॉर्मल रहता है, जब यहाँ पे ये सर्कल हमारा बनना शुरू हो जाता है वहाँ से ये ब्लैक भी होने लगता है। तो जितना सर्कल पूरा बन जाए या फिर आधा बन जाए वहाँ पे भी आके आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, फिर स्प्लिट वाले पार्ट पे, मतलब ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करके फिल्टर के ऊपर आप चले जाना, फिर यहाँ से एडजस्ट के ऊपर जाके इसका जो सेचुरेशन है उसे पूरा माइनस कर देना, देन डन कर देना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लैक हो गया, बट ये डायरेक्ट ब्लैक हो जा रहा है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इनके बीच में भी ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो ट्रांजिशन ऐड करने के लिए प्लस के ऊपर क्लिक कर लेना, फिर यहाँ से डिजॉल्व को सेलेक्ट करना, ऐड हो जाएगा, देन डन कर देना है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो गया और हमारी वीडियो भी परफेक्ट तरीके से बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो। अब अगर आपको इसको थोड़ा सा एडवांस बनाना है तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ मोशन वगैरह ऐड कर सकते हो, बट इतना इनफ होता है, लाइक आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं और हमारे जो वीडियो है वो बन के रेडी हो गई है। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करना, एंड यहाँ से ऑटो से मैनुअल में आ जाना, क्वालिटी वगैरह पूरा मैक्स सेलेक्ट कर लो ताकि अच्छे क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो, एंड एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो बिल्कुल सही क्वालिटी में, मतलब हाई क्वालिटी में आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी एंड आपकी डिवाइस में सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से सेव करके डन कर लेना है। उसके बाद जहां आप पोस्ट करना चाहो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब का शॉर्ट्स में या फिर व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते रहो, और व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब वगैरह, फॉलोअर वगैरह जितने भी मिलते हैं सब गेन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।